नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर हो रहे विरोध की आज देश के कई शहरों से होते हुए अब ग्रामीण अंचल और कस्बों तक आ पहुंची है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कस्बे में हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और शांति के साथ कैंडल मार्च निकाला और हथियारों को फांसी देने की मांग की तथा जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुख्य मांग की है। मार्च के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मीकांत मिश्रा की प्रतिमा के पास कन्हैयालाल की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। इस अवसर पर महाराजगंज पुलिस चौकबंदी और कोतवाली प्रभारी प्रमदिन पांडे पुलिस बल के साथ कैंडल मार्च के साथ साथ चलते रहे। उभरते हुए चेहरे हैं यहाँ के, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं किसी प्रदेश में, राजस्थान में ही नहीं, कहीं नहीं होनी चाहिए। और हम लोग युवा हैं और आने वाला समय हम लोगों का है, और हम लोग अगर अभी से नहीं एक हुए तो हमारे आसपास भी इन जिहादी मानसिकता से ग्रसित आतंकवादियों द्वारा ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। यही आज हम लोग इसी के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम सभी लोग एक हैं और भविष्य में भी ऐसे ही एकता बना के रहेंगे। शास्त्री जी, ये जो घटना उदयपुर की, इससे क्या कहना है आपका? देखिए, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। जितना भी निंदा की जाए वह कम है। और दूसरी बात, हत्या का प्रश्न नहीं है। हत्या का जो तरीका है वह अमानवीय है, वह कृत्रिम निर्ममता पूर्वक है, क्रूरता पूर्वक है। और हम कह रहे हैं हत्या होती है, क्यों होती है हत्या, यह मालूम नहीं कि हत्या हमारी क्यों की जा रही है। एकदम से अमानवीय है और हम यह संदेश देना चाहते हैं कि यह दूसरी घटना कहीं न हो पूरे देश में। हम लोग सालों के कर्तव्य हैं, इंसानों के नाम पर, मानवता के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हम एक साथ हैं। विवेक जी, उदयपुर की घटना को लेकर के आप लोग यहाँ एक कैंडल मार्च निकाले, क्या मान है आप लोगों की? जैसे हम लोगों ने तो बहुत शांति तरीके से निकाला है, लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना ये किसी के साथ नहीं होनी चाहिए थी। चाहे किसी भी वर्ग या समुदाय के लोग हों, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और जो इसके हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। घटना राजस्थान की है, आप यहाँ से क्या उनको संदेश दें? जैसे घटना राजस्थान की जरूर है, लेकिन हम उनको एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि सारे लोग एकत्रित हैं, किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो।